Hey guys, how are you all? I hope you guys all are well. So, यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि NBS का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है. PGT का रिजल्ट आउट हो चुका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए, एंड जो नॉर्थ ईस्ट है उनके लिए, दोनों के लिए रिजल्ट आपका आउट हो चुका है. तो ये जो मैं अभी नोटिस में पढ़ रही हूँ, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए जो आपका एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर को, ये उस टाइम का रिजल्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट है. तो अगर आप लोग उसके, अगर किसी की साइट अगर नहीं खुल पाई है, बिकॉज साइट खुलने में काफ़ी प्रॉब्लम जा रही है, तो अगर साइट नहीं खुल पाई है तो आप लोग यहाँ से जो है अपना रिजल्ट जो है देख सकते हैं. तो मैं भी आप लोगों को पूरा रिजल्ट दिखाने वाली हूँ. तो आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से अपेयर हुए थे, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं. तो यहाँ पर आप लोग एज पर नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव इन 2022 एंड 23 टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स वॉज पब्लिश्ड बाय नवोदय विद्यालय समिति इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेटेड 2 जुलाई 2022. ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड वॉज हेल्ड ऑन 15/12/2022 ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड CBT अवेलेबल कैंडिडेट्स इन द रेशो 1:5 हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ PGT अगेंस्ट नोटिफाइड वैकेंसी. तो 1:5 का मतलब यह है कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर चूज किया गया है. तो ऑब्वियसली सिलेक्शन जो होगा वो एक पोस्ट के लिए एक ही का सिलेक्शन होगा. 4 कैंडिडेट्स जो होंगे वो इंटरव्यू से आउट होंगे. एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू इज अपेंडेड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न. शेड्यूल फॉर इंटरव्यू विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ समिति इन ड्यू कोर्स. तो इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा. सो आप लोग वेबसाइट जो है रेगुलरली चेक कीजिएगा, जो भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए. एंड यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द समिति रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट इन द मैटर. ठीक है, तो ये हमारा नोटिस है और यहाँ से हमारा जो रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आपका अब दिखेगा. ठीक है, तो आप लोग नाम से भी रिजल्ट दिया हुआ है तो रोल नंबर का उतना ज्यादा कोई कंसर्न है नहीं है. तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए अपना रिजल्ट. ये सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया है, ये कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, ये बायोलॉजी का रिजल्ट है. ठीक है, ये बायोलॉजी का रिजल्ट है. तो आप लोग यहाँ से देखते जाइए. ठीक है, जिसका भी नाम है नहीं है आप लोग बिल्कुल चेकआउट करते जाइए. मैं बहुत आराम से आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. तो ये PGT बायोलॉजी का रिजल्ट है. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर वही अनिशा का जो है यहाँ पर सेलेक्ट हुई है. ये देख लीजिए आप लोग रिजल्ट. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए. ये फर्स्ट पेज था. ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेने का भी आपको टाइम दूंगी. आप लोग चाहे तो आराम से स्क्रीनशॉट लेके बाद में चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आप लोगों का स्क्रीन शॉट है, तो आप लोग चेक कर लीजिए. ये PGT बायोलॉजी का रिजल्ट अभी चल रहा है. ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा. ठीक है, मैं पूरा नाम यहाँ पर कॉल नहीं करूंगी, आप लोग यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट लेते जाइए. ये पूरा PGT बायोलॉजी का रिजल्ट है ना. ये अभी भी PGT बायोलॉजी चल रहा है. ये पूरा PGT बायोलॉजी, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं PGT बायोलॉजी में. अब ये हमारा PGT केमिस्ट्री के लिए आ गया है. ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना नाम बाद में जो है आप लोग सर्च कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर. ये देखिए, तो गाइस एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है. ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए. और अभी ये सिर्फ रिटर्न का रिजल्ट है, इसमें अभी आप लोग कोई ज़्यादा होप मत लगाइएगा. ठीक है, अपने इंटरव्यू की तैयारी बेस्ट करिए. और इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करना है, क्या गाइडेंस उसकी होनी चाहिए, वो उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड करेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग वेट करिए. अभी के लिए आप लोग ये रिजल्ट देख लीजिए. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए और रिजल्ट आप लोग देख लीजिए. तो PGT केमिस्ट्री से हम लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर सेलेक्ट हुए. 252 तक लिस्ट पहुंच चुकी है. टोटल 263 लोग कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है PGT केमिस्ट्री से. ठीक है, ये इसके बाद में आ गया आपका PGT कॉमर्स के लिए आ गया है. तो
कॉमर्स वाले अगर कोई कैंडिडेट हो तो कॉमर्स के लिए आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख लीजिए, ये पूरा कॉमर्स का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये पीजीटी कॉमर्स का फोर्थ पेज आ गया है और ये अब आया है हमारा रिजल्ट, ये पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, पीजीटी इकोनॉमिक्स से जो लोग अपियर हुए हैं ये उनका रिजल्ट है, तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। देखिए इतने लोग जो है यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, देखिए तो अभी हमारा ये पीजीटी इकोनॉमिक्स ही चल रहा है। और टोटल 264 कैंडिडेट्स जो है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। अब आ गया हमारा पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका नंबर वन से जो रैंकिंग स्टार्ट हुई है, आप लोग इसमें अपना नाम सर्च कर सकते हैं। देखिए राजीव कुमार, सरिता यादव, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अपना जो है नाम इसमें आप लोग सर्च कीजिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है गाइस, रिजल्ट आ गया है, एक स्टेज आप लोगों का क्लियर हो गया है एंड काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं यहाँ पर और आप लोगों का रिजल्ट क्लियर हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोग अब अच्छे से जो है इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, और इंटरव्यू के लिए मैं गाइस एक बात कहूँगी आपको कि इंटरव्यू के लिए हम लोग डेली एक क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करेंगे, और इंटरव्यू के गाइडेंस जो है इंटरव्यू में कैसे आपको अपियर होना है, किस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पर दिखाना है कि मतलब हम लोगों को मतलब अपियरेंस कैसी होनी चाहिए, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए हम लोग गाइड करेंगे। और आप लोग अपनी कोई क्वेरी हो तो वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। ये पीजीटी ज्योग्राफी का रिजल्ट है गाइस, ठीक है, पीजीटी ज्योग्राफी देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पीजीटी ज्योग्राफी का रिजल्ट आ गया है, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना जो है रिजल्ट यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर लीजिए, ये पीजीटी ज्योग्राफी। नेक्स्ट आया है ये पीजीटी ज्योग्राफी का नेक्स्ट पेज, 196 कैंडिडेट्स जो है टोटल सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ गया आपका पीजीटी हिंदी के लिए है ये, ये देखिए पीजीटी हिंदी, और अब आ गया आपका पीजीटी हिस्ट्री, तो पीजीटी हिंदी से 103 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, और अब है पीजीटी हिस्ट्री। तो अगर हिस्ट्री से कोई लोग अपियर हुए हैं, कोई कैंडिडेट्स है अगर यहाँ पर हिस्ट्री के लिए, तो वो यहाँ पर अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक कर सकते हैं आप लोग, पूरा रिजल्ट आ गया पीजीटी हिस्ट्री, टोटल 117 कैंडिडेट्स जो है पीजीटी हिस्ट्री से सिलेक्ट हुए हैं। ये है पीजीटी मैथ्स, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और चेक कर लीजिए रिजल्ट का। ठीक है, और अभी अगर कट ऑफ की बात करें गाइस, तो कट ऑफ जो है अभी बिल्कुल भी यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि कितना कट ऑफ गया है, तो आप लोगों के जितने मार्क्स आए थे आपके आंसर की से मैच करके आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है कि उनके मार्क्स जो है कितने थे, तो उस बेसिस पर हम लोग जो है कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना है। बाकी ऑफिशियली जो कट ऑफ जब रिलीज़ किया जाएगा तब बताया जाएगा, तब देखा जाएगा कि कट ऑफ कितना गया है। बाकी पीजीटी की ये फिजिक्स का रिजल्ट है, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स के लिए, तो पीजीटी फिजिक्स का कट ऑफ कितना गया है, आप लोग अपने मार्क्स से अंदाजा लगाइए कि कट ऑफ कितना गया होगा। ये देखिए ये पीजीटी फिजिक्स हो गया, और ये अब है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है,
देखिए ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट यहाँ पर क्लियर हो गया, और यहाँ पर अब हमारा जो है फाइनली जितने भी सब्जेक्ट का रिजल्ट क्लियर हुआ है ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट जो है अभी अब डाउनलोड नहीं हो पाई है, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए जैसे ही लिस्ट डाउनलोड होगी तो हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लिए भी क्या गया है आपका कट ऑफ, वो क्या नहीं गया है वो भी क्लियर करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीजीटी इंग्लिश जो है मैंने आप लोगों को लिस्ट दिखाई हुई है, तो आप लोगों को जो है ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के मार्क्स कितने थे और कट ऑफ कितना गया होगा। ठीक है, यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश जो है स्पेसिफिकली जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी 37 पोस्ट है। ठीक है गाइस, और जैसा कि नोटिस में रिलीज किया गया है कि 1:5 से सिलेक्शन किए गए हैं, इट मीन्स एक पोस्ट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो ऑब्वियसली एक पोस्ट पर एक ही कैंडिडेट आएगा, तो एक पोस्ट पर एक कैंडिडेट का मतलब है कि अभी भी 4 कैंडिडेट्स जो है वो डाउट में है, वो बाहर होंगे इंटरव्यू से। तो आप लोग अब यहाँ पर अपना सिलेक्शन एंश्योर कीजिए और इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि आप लोग जो है उन 5 कैंडिडेट्स में आप जो है वो टॉप पर आ जाए। तो टॉप पर आना है अगर तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था पीजीटी का रिजल्ट एनवीएस का। ठीक है, अभी नोटिस के अकॉर्डिंग पीजीटी का ही रिजल्ट आया है, अभी जैसे ही नॉर्थ ईस्ट की लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी तो हम नॉर्थ ईस्ट के लिए भी वीडियो बनाएंगे अलग से। तो अभी के लिए आप लोग जो है इस रिजल्ट को देख लीजिए और अपना जो है रिजल्ट चेक कर लीजिए, और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।